आज इस वीडियो में गाइज मैं आप लोग को एक फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि HDFC बैंक की तरफ से आप लोग को दी जा रही है। अप टू 75,000 रुपीज आपके बैंक में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाएंगे। इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरीके से फिल करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट क्लास से लेके अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट, मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप का फायदा ले सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको पूरी प्रोसेस करना होगा और अपने मोबाइल फोन से भी आप लोग इस ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप मैनेजमेंट की डिग्री कर रहे हो, चाहे आप BBA कर रहे हो, BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, या इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हो, BTech कर रहे हो, MTech कर रहे हो, आप सब लोग इस फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने वाले हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर आप लोग ऐसी वीडियो और चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आने वाले टाइम में मुझे मोटिवेशन मिले और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने की। इस HDFC बैंक की फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप के बारे में बताने से पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक और अपडेट है मेरे पास। देखो, PW सेलिब्रेट कर रहा है गुरु पूर्णिमा, और इस टाइम पर आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग शानदार ऑफर लेके आए। इनके सारे ESC गेट के बैचेस और टेस्ट सीरीज पे अभी आपको अप टू 75% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ये लिमिटेड टाइम डिस्काउंट है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप लोग अपना पैसा सेव कर सकते हो इस ऑफर को लेके। जो भी बच्चे गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके बैचेस चेकआउट कर सकते हो। जैसे श्रेष्ठ ESC गेट 2027 बैच है, जो कि ओनली 18,600 में आपको ऑफर किया जा रहा है। प्राक्रम 2.0 बैच है गेट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। विजय 2.0 गेट का रैंक इंप्रूवमेंट बैच है। श्रेष्ठ 2.0 गेट 2026 का बैच है। प्राक्रम 2025 का बैच है। श्रेष्ठ 2026 का बैच है। इसी तरीके से और भी आप लोगों के लिए बैच है। ESC नॉन टेक जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड बैच है। टेस्ट सीरीज भी आपको ऑफर की जा रही है। इन सारे बैचेस में आपको लेक्चर प्लानर, टेस्ट प्लानर मिलता है, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं, MCQs का एक्सेस मिलता है, लाइव लेक्चर्स का इंडिया के बेस्ट फैकल्टी का एक्सेस मिलता है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट्स आपको मिलती है, लाइव डिस्कशन मिलता है। अभी आप लोग इन्फिनाइट लर्निंग एक्सपीरियंस कर सकते हो विद द बैच इन्फिनिटी, जहां पे आपको गेट खजाना, गेट PYQ बुक्स और गेट टेस्ट सीरीज का एक्सेस दिया जा रहा है। इनमें से किसी भी बैच में अगर आप इनरोल कर रहे हो, कूपन कोड में TM500 जरूर यूज कर लेना। साथ ही साथ सेल्फ स्टडी के लिए आप लोग गेट वाला की टॉपिक वाइज गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स को ही परचेज कर सकते हो। इन सब के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, जो स्टूडेंट HDFC बैंक की फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप को लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं और किस टाइप से ये स्कॉलरशिप आपको ऑफर की जा रही है। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो आप लोगों को बड़ी फोर स्टडी, जो कि एक स्कॉलरशिप पोर्टल है, वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। HDFC के ऑफिशियल पोर्टल पे भी आप लोगों को ये डिटेल्स मिल जाएंगी, गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हो। तीन टाइप से ये स्कॉलरशिप आप लोगों को ऑफर की जा रही है। एक स्कॉलरशिप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, दूसरी स्कॉलरशिप जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, और तीसरी स्कॉलरशिप जो है वो स्कूल स्टूडेंट के लिए। एक एक करके मैं तीनों स्कॉलरशिप आपको समझा देता हूं। पहली स्कॉलरशिप की बात करते हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, जो अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 4 सितंबर ही होने वाली है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसी बीच इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। देखो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो अगर आप लोग, तो इस वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको जनरल कोर्सेज, जैसे आप MCom कर रहे हो, MA कर रहे हो, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, MTech कर रहे हो, MBA कर रहे हो, तो आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। दूसरा, आपके जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन एग्जाम है उसमें 55% मिनिमम होने चाहिए, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन के डिग्री में मिनिमम 55% होने चाहिए। इसके अलावा आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इंडियन होने चाहिए आप। देखो, जनरल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को 35,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी और प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को 75,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलने वाली है सीधा बैंक अकाउंट में। दूसरी स्कॉलरशिप जो थी वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, जो इस टाइम पे बैचलर डिग्री कर रहे हैं। जैसे अगर आप अभी BCom कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, BCA कर रहे हो, या फिर आप प्रोफेशनल कोर्स जैसे BTech कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, LLB कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम यानी कि 12th क्लास में आपके मिनिमम 55% होने चाहिए, आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम टर्म्स एंड कंडीशन है। बेनिफिट्स की बात करें तो जनरल UG स्टूडेंट्स को 30,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी और प्रोफेशनल UG स्टूडेंट को 50,000 की स्कॉलरशिप दी जा रही है। उसके अलावा थर्ड स्कॉलरशिप है आप लोगों के लिए, जो कि है स्कूल स्टूडेंट के लिए। अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर 12th किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, या फिर डिप्लोमा कर रहे हो, या ITI पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हो, तो इस वाली स्कॉलरशिप का फायदा ले सकते हो, जहां पे अप टू 18,000 रुपीज तक की स्कॉलरशिप आप लोगों को एज अ स्कूल स्टूडेंट ऑफर की जा रही है। तीनों स्कॉलरशिप काफी बेहतरीन है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इन स्कॉलरशिप में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन देखो बहुत आसान है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, उसका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू सेशन होता है जिसमें आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको स्कॉलरशिप की जरूरत क्यों होती है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल लिस्ट शेयर कर दी जाती है। आपने देखा इस बीच कोई एग्जाम वगैरह नहीं दिया आपने स्कॉलरशिप का, जस्ट डायरेक्टली आप लोग को ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा कोई आपका डाउट है तो वो सारे डाउट के क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। और अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है स्कॉलरशिप के लिए, अप्लाई नाउ का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है, जिस भी स्कॉलरशिप में आप इंटरेस्टेड हो साइन अप विद गूगल करना है। और जैसे मैंने यूजी वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, उसका चेक योर एलिजिबिलिटी में अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, उसका दे बता देगा आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उसके बाद आपको क्लास ट्वेल्थ के और ग्रेजुएशन के मार्क्स अपने ऐड करने हैं, सबसे पहले एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है, उसके बाद फैमिली मेंबर्स की डिटेल ऐड करनी है, उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, बोथ साइड, प्रीवियस क्लास की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके आप लोग ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद रेफरेंस के लिए पूछा गया है तो यहाँ पे आप अपने कॉलेज के टीचर्स का या फिर अपने प्रोफेसर्स का रेफरेंस दे सकते हो जो आपको जानते हो, वेल नोन हो कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हो इस टाइम। बैंक डिटेल्स में आप लोग को अपने बैंक की लेटेस्ट बैंक डिटेल्स अपलोड कर देनी है, और मोर अबाउट योरसेल्फ में कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनके आंसर कर देने हैं, और प्रीव्यू पे क्लिक करके इस तरीके से इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो भी लोग फिल कर रहे हैं वो इस तरीके से ऑनलाइन, ध्यान रखिएगा इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान से फिल करना है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। रिजल्ट की बात करें कि इसका रिजल्ट कैसे आपको पता चलेगा, तो रिजल्ट की कोई अनाउंसमेंट लास्ट डेट नहीं है यहां पे कि उस डेट को रिजल्ट निकाला जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रिजल्ट का सेक्शन है, यहां पे जिस भी स्कॉलरशिप का रिजल्ट आता है वो सारी यहां पे डिटेल दिखाई देती है। इससे पहले मैंने जिनकी भी वीडियो बनाई है उनके रिजल्ट आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, तो सारी स्कॉलरशिप के रिजल्ट आप लोग को इस पेज पे दिखाई देंगे जब भी इसका एचडीएफसी का रिजल्ट आएगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आप लोग को बता भी दूंगा जब भी इसका रिजल्ट आता है ताकि आप लोग अपना रिजल्ट चेक करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।